हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति राज और आप देख रहे हैं मूवी मस्ती। मूवी मस्ती एक ऐसा शो जहां पर आपको स्टार्स की हर हलचल के बारे में पता चलता है। स्टार्स क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितनी मस्ती करते हैं, स्टार्स की हर एक इनसाइड डिटेल्स अब आपको दिखाएगा मूवी मस्ती। जी हाँ, स्टार्स की अप टू डेट खबरों से अब हम आपको कराएंगे रूबरू और स्टार्स से यहाँ पर हम आपकी कराएंगे खास मुलाकात भी। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में क्या कुछ है खास। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म बागी 3 की। बागी 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फैंस इस ट्रेलर को अच्छा खासा रिस्पांस भी दे रहे हैं। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 का ट्रेलर फैंस को काफी अच्छा लग रहा है। और अब खास बात यह है कि इस फिल्म के ट्रेलर पर दिशा पाटनी ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया है। जी हाँ, दिशा पाटनी का इस ट्रेलर को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। बागी 2 फिल्म तो आपको याद ही होगी, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी ने ऑडियंस का दिल तो जरूर जीता था, लेकिन दिशा का कैरेक्टर कुछ खास नहीं था, जिसकी वजह से दिशा की जगह श्रद्धा कपूर को कास्ट किया गया था। और जब से बागी 3 का ट्रेलर आया है, तब से फैंस में एक अलग तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म में एक्शन है, ड्रामा है और टाइगर का डेयर डेविल एक्ट भी है। हाल ही में मलंग एक्ट्रेस दिशा पाटनी से जब बागी 3 के ट्रेलर के बारे में पूछा गया तो मैडम ने अपने जवाब में बताया कि उन्हें ट्रेलर काफी पसंद आया। इतना ही नहीं, दिशा फिल्म के ट्रेलर को देखकर काफी सरप्राइज भी हुई और बागी 2 से जब उन्होंने ट्रेलर को कंपेयर किया तो उनके पास बागी 3 के ट्रेलर के लिए सिर्फ एक शब्द था, विच इज अमेजिंग। वहीं दिशा ने टाइगर और श्रद्धा स्टारर फिल्म बागी 3 को गुड विशेस भी दी हैं और उनके काम की सराहना भी की है। और आइए बात करते हैं फिल्म मलंग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी की फिल्म मलंग एक हफ्ते से सिनेमा घरों में लगी हुई है और इस फिल्म का क्या कुछ रहा है बॉक्स ऑफिस पर अब तक का रिस्पांस, आइए देखते हैं। पहले हफ्ते में मलंग हुई मालामाल। 2020 की टॉप 5 फिल्मों में शामिल आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी की फिल्म मलंग ने सिनेमा घरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है। पहले हफ्ते में मलंग की रफ्तार सदी हुई रही, कलेक्शंस में बहुत अधिक गिरावट नहीं देखी गई, जिसके चलते फिल्म ने 7 दिनों में लगभग 40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वैलेंटाइंस डे का मौका है और ऐसे में दिशा पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ यानी कि मलंग टीम के साथ इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। और ऐसे में फैंस का बस यही कहना है कि आखिर टाइगर श्रॉफ किधर रह गए। और आइए अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं दिशा पाटनी की। दिशा पाटनी की फिल्म मलंग 7 फरवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म को थिएटर्स में एक हफ्ता हो गया है। फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक से पॉजिटिव रिएक्शन मिला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के बीच की केमिस्ट्री तो उनके सभी फैंस समझते हैं। ये दोनों स्टार्स पिछले काफी वक्त से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। और वहीं टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ से जब इस बारे में पूछा गया तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आज वैलेंटाइंस डे है और इस खास मौके पर दिशा अपने बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ के साथ नहीं बल्कि कहीं और ही वक्त बिता रही हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है उनका वैलेंटाइंस डे का प्लान। दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे टाइगर श्रॉफ के साथ नहीं बल्कि फिल्म मलंग की अपनी टीम के साथ हैं। तस्वीर में मलंग के उनके को स्टार आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, कुणाल खेमू और अमृता खानविलकर नजर आ रहे हैं। फोटो के कैप्शन में दिशा ने लिखा है, मेरे सबसे पसंदीदा लोगों के साथ। तस्वीर को महज 1 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात कर लेते हैं फिल्म अंग्रेजी मीडियम की भी। जी हाँ, अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फैंस का इस ट्रेलर पर क्या कुछ रिस्पांस रहा है, आइए देखते हैं। साल 2017 में आए हिंदी मीडियम के बाद एक्टर इरफान खान एक बार फिर दर्शकों को अपने स्टाइल में भाषा का ज्ञान देने आ गए हैं। जी हाँ, इरफान खान की अपकमिंग फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 20 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि फिल्म अंग्रेजी मीडियम को फैंस का कैसा रिस्पांस मिल रहा है। आपको बता दें कि ट्रेलर का रिस्पांस काफी पॉजिटिव है और वहीं फैंस एक से बढ़कर एक ट्वीट भी कर रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है, द ट्रेलर इज गूज़बम्प्स टू गुड, लव्ड इट। तो वहीं कुछ फैंस का कहना है, लव द ट्रेलर, यू केम एवरी टाइम विद अ गुड कंटेंट, इट्स सो नाइस टू हैव अ एक्टर लाइक यू। तो वहीं कुछ और फैंस का ये भी कहना है, सुपर्ब ट्रेलर, लव इट। यानी कि ट्रेलर को तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचा सकती है।
फिलहाल मूवी मस्ती में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नव भारत टाइम्स। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, YouTube पर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारे सारे के सारे वीडियोस यहाँ पर नोटिफाइड हो जाएंगे। और साथ ही अगर आपको अधिक से अधिक वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट को भी जरूर फॉलो करें।